खनन में प्रयुक्त सैकड़ों वाहनों द्वारा रोज का लाखों टन उपखनिज लगभग क्षेत्र के हर स्टोन क्रेशर पर पहुंच रहा है। सितारगंज के एक स्टोन क्रेशर के खिलाफ एक पीड़ित खेत स्वामी ने आज जमकर हंगामा काटा और स्टोन क्रेशर को जा रहा कच्चा रास्ता बंद करके वहीं खड़ा हो गया। पूछने पर उसने कहा कि रास्ता होने के बाद भी उपखनिज से भरे वाहन खेत से होकर जा रहे हैं, जिससे एक और उसकी फसल तो प्रभावित होती ही है, साथ ही फसल की कटाई और बुआई के समय काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उपजाऊ भूमि पथरीली होती जा रही है, जिस कारण आज उसने स्टोन क्रेशर पर जाने वाले वाहनों को रोक दिया। मौके पर पुलिस ने मामला शांत कर जाम खुलवाया और वहां मौजूद ट्रैक्टर और डंपर ड्राइवरों को और उनके स्वामियों को सख्त हिदायत दी कि आगे से यदि किसी किसान के खेत से होकर कोई भी वाहन निकला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। खेत और मेरे खेत से ये आगे रास्ता दिखाई, ये रास्ता मेन जा रहा है, उसके बगल से मेरे खेत में से ट्रैक्टर वाले ओवरलोड वाहन जा रहे हैं और जिसको हमने कई बार रोकने का प्रयास किया लेकिन वो सुनते नहीं है। अब ये कई दिन से लगातार चल रहा था और ये देखिए आप मेरे खेतों में पत्थर पड़े हुए हैं, इससे हमारे खेतों की फसलें खराब हो रही है, जानवर इसका चारा भूसा नहीं खाते हैं और जब ये ट्रैक्टर लेके हम हैरो करते हैं तो कई बार हैरो टूट गई है, लेबर जो हमारी काम करती है उनके पैरों में कई बार चोट लगी है। स्टोन केसर वालों से कई बार कह कह के हम परेशान हो चुके हैं, इसलिए आज इस कारण हमने जाम लगाया था, तब पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया। मेरे ख्याल यहाँ 7 या 8 स्टोन केसर है। सबसे पहला पड़ता है भगवती स्टोन केसर, उसके बाद नामधारी जी का है स्टोन केसर, उसके बाद LSC है, उसके बाद सिद्धारंज स्टोन केसर है, उसका कामाख्या स्टोन केसर है, उसका बरेली स्टोन केसर है और भी एक दो स्टोन केसर है जो ज़्यादा मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये 7-8 स्टोन केसर है जिनसे इसी ये आप रास्ता देखोगे रास्ता कितना बड़ा है, इस रास्ते से कम नहीं दिन भर में रोज सुबह से लेकर शाम तक 200 से 300 गाड़ियाँ निकलती हैं। अब आप ये देखिएगा इस रास्ते में ये 200-300 गाड़ियाँ निकलती हैं, क्या आपके लिए दिखता है कि रास्ता इस लायक है? मैंने किसी अधिकारी से शिकायत की, मैंने स्टोन केसर वालों से कई बार बात की, मैंने LSC वाले को भी आज भी फ़ोन किया था और कई लोगों से कहा भी, मैंने कहा भाई साहब इसकी आप या तो व्यवस्था कर दीजिए या फिर इसको टीम से डाल के आप बिल्कुल बंद करा दो। तो भगवती वालों ने कहा कि ठीक है हम एक दिन गड्ढा खोद देते हैं, तो एक दिन वो गड्ढा खोद के चले गए थे, उसके बाद भी ट्रैक्टर ट्राली वाले जितने भी है वो खेत में रास्ता खुद बना के वो ट्रैक्टर निकाले, आप रास्ता देख लीजिए, रास्ता बिल्कुल आपको खेत में दिखाई देगा।